भाई साहब तो जो है हमारा कैमरा पसंद आ गया था, बहुत लोगों ने पूछा है साहब। ओ भाई साहब क्या ही सीन चालू है, रिक्शा को एक्टिवा वाला टो कर रहा है। मेरे को भी एक्टिवा ही लेना चाहिए। अच्छा फुल ट्रैफिक जाम है, फुल हाईवे का पता नहीं क्या हाल है। वैसे तो मुझे हाईवे से ज़्यादा जाना नहीं है, लेकिन देखते क्या होता है। तो पहले ना एंगल मतलब इतना दिखता था, अभी पूरा वाइट दिख रहा है यहाँ पर। तो इसमें लेकिन जो स्टेबलाइजेशन है वो थोड़ा कम होगा, तो वीडियो हो सकता है मे भी शेकी शेकी आए। लेट्स सी क्या होता है। तो हमें हाईवे पर नहीं जाना है, हमें ये एयरपोर्ट कॉलोनी के पास से जाना है। बाय द वे लेफ्ट साइड में हमारे एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और ये एयरपोर्ट कॉलोनी है। तो अभी अपन एयरपोर्ट कॉलोनी के अंदर तो नहीं जाने वाले, हम जाएंगे एयरपोर्ट कॉलोनी के मतलब ब्रिज के नीचे, हाईवे के नीचे। एयरपोर्ट कॉलोनी है लेफ्ट में, और अपने को जाना है सिंपल। मुझे ना कभी कभार इसके अंदर से जाने मज़ा आती है, क्योंकि बॉस की आवाज़ जो है वो काफ़ी प्यारी लगती है। तो भाई सूरत से पहले ना एक सिटी पड़ती है वलसाड सिटी, छोटी सी सिटी और बहुत ही प्यारी है। तो वहाँ से कल हमारे एक मित्र, हमारे एक दोस्त, हमारे एक भाई उनसे कल मतलब वो कुछ काम से आए थे मुंबई में। तो बंदा मतलब मुझे मिलने भी आया था, तो हम लोग ने मतलब काफ़ी सारी बातें करी है। उसका नाम है अनिश, और थैंक यू भाई तू आया मतलब यहाँ पे मिलने के लिए, काफ़ी अच्छा लगा मेरे को। और इंशाल्लाह फ्यूचर में हम लोग के कुछ ब्लॉग्स आएंगे, कोलैबोरेशन आएगा हम लोग का इंशाल्लाह फ्यूचर में। काफ़ी सारी हम लोगों ने बातें करी है, हम लोग पहली टाइम मिले हैं। और अनिश है कौन ये भी बता देता हूँ, अनिश का यूट्यूबर लाइक मी, वो भी ब्लॉग बनाता है। और उन लोग के मतलब दो चैनल है, एक ब्लॉग वाला चैनल है, और एक प्लस वो कॉमेडी वीडियोस भी बनाता है। मतलब अच्छा लगा यार बंदे से मिलके, काफ़ी सिंपल और मस्त बंदा था, अच्छा लगा। ओ स्वैग देखो भाई स्वैग, क्या बात है क्या बात है। अनिश का जो है ना मतलब मैं यूट्यूब का चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, आप लोग जाओ चेकआउट करो। आई एम श्योर आपको उसका कंटेंट जो है वो अच्छा लगेगा। और आज का वेदर तो मुंबई में वो शुरू ना हो गया। और गाइस अगर आप लोग यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे तो मेरी टीवीएस एंटॉर्क जो है वो 31,000 किलोमीटर तक मतलब चल चुकी है गाड़ी, और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह कुछ प्रॉब्लम नहीं आई है इसमें। तो बिग थम्स अप फॉर टीवीएस। और एक मेरे को इसका मतलब बैड थिंग ये लगी कि इसमें ना पूरा बॉडी जो फाइबर का दिया हुआ है, फुटरेस्ट से लेके सब फाइबर है इसके अंदर। तो पार्ट्स जो है ना इसके साइड से खुलने लगते हैं, तो वो बस मेरे को एक डिसएडवांटेज इसका लगा। बाकी गाड़ी तो मस्त है, परफॉर्मेंस इसका एक नंबर है, लेकिन बस वही पूरा जो इसका बॉडी है वो फाइबर का है, तो इस वजह से मेरे को थोड़ा एक डिसएडवांटेज इसमें लगा है कि अगर थोड़ा बहुत एटलीस्ट मेटल वगैरह देते थे फुटरेस्ट में तो एटलीस्ट मतलब लाइक एक्टिवा की तरह, तो मतलब साइड से पार्ट खुलते नहीं इसके। और अभी मैं बता नहीं सकता आप लोगों को, फिर कभी व्लॉग में बताऊंगा आपको कि मतलब साइड से किस तरह से पार्ट खुलते हैं। तो बस यही डिसएडवांटेज है इसका, और कुछ नहीं।